अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने हकीम लुकमान और उनके तोते का वाक्यात पेश करती हूँ। दोस्तों, हकीम लुकमान के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे। हकीम लुकमान अल्लाह के नेक बंदे थे और अल्लाह के वली थे। हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ और आपका विसाल हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ, जो गुमला के करीब है और गमला फलिस्तीन में वाकया है। वो नबी थे या नहीं है तो हकीम लुकमान अभी तक वाजे नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह के वली थे। लुकमान के माने बहुत ज्यादा अकल वाला है। आपके नाम में हकीम आता है और हकीम तबीब को कहते हैं। अल्लाह ताला ने हकीम लुकमान को हिकमत और दानाई बख्शी थी। आपकी हिकमत की यूनान में बहुत मशहूरियत है, जिसे तिब्बे यूनानी कहते हैं। कुरान पाक में अगर जिक्र आ जाए तो वो चीज़ बड़ी अजमत वाली और उसका वक़ार और बुलंद हो जाता है, मगर यहाँ तो अल्लाह ताला ने हकीम लुकमान के नाम से एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई है। इसकी हिकमत और दानाई के बहुत सारे वाक्या मौजूद है। इनमें से एक वाक्या आज आप लोगों के सामने पेश करती हूँ। कहा जाता है कि हकीम लुकमान के दौर में हर चीज को जबान दी गई थी, हर बेजुबान को जुबान थी। बड़ी जड़ी बूटियां खुद बोलकर हकीम लुकमान को बता देती थी कि हम इस मर्ज की दवा है या हमसे इस मर्ज की शिफा लो। इस हवाले से एक वाक्या बहुत मशहूर है कि हकीम लुकमान के समंदर के दूसरे किनारे को ढूंढने का फैसला किया। उनके पास एक तोता था जो उनसे बातें किया करता था। हकीम लुकमान ने अपनी हिकमत से जड़ी बूटियों से एक ऐसी दवा तैयार की जिसके खाने से तोता बगैर कुछ खाए पिए उन्ना और बिना थके 6 महीने तक अपनी उड़ान को जारी रख सकता था। हकीम लुकमान 2 ऐसी गोलियां तैयार कर दी, एक अपने तोते को खिला दिया और दूसरी गोली तोते के गले में बांध लिया और तोते को नसीहत की कि तुम इस गोली को खाकर 6 महीने तक बिना थकावट के, बिना भूख प्यास के उड़ सकते हो। और साथ ही ये नसीहत की कि अगर तुम्हें कहीं पर भी भूख और प्यास और थकावट महसूस हो तो तुम दूसरी गोली खाकर वहीं से वापस हो जाना और आगे मत जाना। तोते ने हकीम लुकमान से इजाजत ली और समंदर की तरफ उड़ चला। तोता मुसलसल अपनी उड़ान 6 महीने तक जारी रखा हुआ था, लेकिन उसे अभी तक समुन्दर का दूसरा किनारा नहीं मिला। तोते को उड़ते हुए अब 6 महीने से ज्यादा हो गया था। अब उसे भूख और प्यास महसूस होने लगी, थकावट का भी एहसास होने लगा था, मगर यहाँ तक जहाँ वो जा चुका था वहाँ समंदर का किनारा तो दूर कोई पत्थर या चट्टान भी नहीं मिला था जिनके ऊपर वो बैठकर सांस ले सकता था। थोड़ा आगे जाने के बाद आखिरकार एक समंदर में चट्टान नजर आई। तोता उसके ऊपर जाकर बैठ गया और दरअसल वह चट्टान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मछली थी, लेकिन तोते को अभी ये पता नहीं था कि ये चट्टान नहीं एक बहुत बड़ी मछली थी। थोड़ी देर में उसे मछली ने थोड़ी हरकत की तो तोता बहुत हैरान और परेशान हो गया कि वो ये देख रहा था कि ये चट्टान हिल क्यों रहा है। जब मछली ने अपना मुंह बाहर निकाला तो वो मछली भी इस तोते को देखकर हैरान हो गई और इस तोते से बात करने लगी, क्योंकि उस वक्त अल्लाह ने हर चीज को जबान दी थी। इसलिए मछली ने उस तोते से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ तक कैसे पहुँचे? तोते ने कहा, तुम कौन हो? तो मछली ने कहा कि मैं इस समंदर की मखलूक हूँ। जब तोता बहुत हैरान हुआ और बोलने लगा कि अल्लाह की पनाह, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक इतनी बड़ी मखलूक नहीं देखी। फिर उसने कहा, मैं हकीम लुकमान का तोता हूँ और मुझे हकीम लुकमान ने समंदर का दूसरा कोना है ढूंढने के लिए भेजा है। मैंने बहुत ज्यादा सफर किया है, मैं अभी तक मुझे समंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला और अब मैं बहुत थक गया हूँ। अब मैं इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकता था। क्या तुम जानते हो कि समुंदर का दूसरा किनारा कहाँ है? तो मछली ने कहा कि तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे हो? ना तो यहाँ पर कोई पहाड़ है, ना कोई जंगल है, ना ही कोई दरख्त है, पर तुम बैठकर आराम कर यहाँ तक पहुँच सके। तब उसने हकीम लुकमान का सारा माजरा मछली को बताया। फिर मछली ने कहा, समंदर का दूसरा किनारा कहाँ है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना कर सकती हूँ कि तुम जहाँ से आए हो मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा सकती हूँ।
क्योंकि अगर मैं समंदर के अंदर जाती हूँ तो बहुत बड़ी मछलियाँ समंदर में मौजूद है जो मुझे खा सकती है। तोते ने कहा, ठीक है, तुम मुझे वहाँ भेज दो जहाँ से मैं आया हूँ। मछली ने कहा कि तुम मेरी पीठ के ऊपर बैठ जाओ। तोते ने ऐसा ही किया, मछली के पीठ के ऊपर बैठ गया और फिर मछली ने पलक झपकते ही उस तोते को उस जगह पर पहुँचा दिया जहाँ से वो चला गया था। तोता ये देख कर कहने लगा कि मुझे तो 6 माह लगे थे वहाँ तक पहुँचने में और तुमने तो पलक झपकते ही यहाँ पहुँचा दिया। तो तोता बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि अभी तो ये मछली ये भी दावा कर रही है कि मैं उससे बड़ी बड़ी मछलियाँ मौजूद है। तोता हकीम लुकमान के पास गया और जाकर अपना सारा माजरा सुना दिया। हकीम लुकमान ने जब ये सारा माजरा सुना तो बहुत हैरान हुए और अल्लाह की बारगाह में सजदा किया और कहने लगा कि अल्लाह, बेशक तू ही जानता है कि समंदर का दूसरा किनारा कहाँ है। सुभान अल्लाह।